नमस्ते दोस्तों, मैं सैम फिर से लौट आया हूँ क्राइसिस एक्स गेम का एक नया जबरदस्त पार्ट लेकर, जहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले दिखाता हूँ मेरे काउ फार्म का हाल क्या हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो 8 काउ था, वहाँ से 6 हो गया है। तो मेरा जो छोटा छोटा बच्चा है काउ का, वो मैं यहाँ पर दे देता हूँ, यहाँ पर 8 कम्प्लीट करता हूँ। मगर ये आप लोग देख सकते हो सिर्फ 1 मिल्क है। यहाँ पर बहुत सारे चीज़ मुझे मिलना चाहिए था, मगर किसी ने चुरा लिया है और मेरे काऊ को भी मार दिया है। तो यहाँ पर खाना और पानी में फुल कर देता हूँ। तो इस तरह से खुले जगह पर रहेगा तो दूसरे कोई आकर सब कुछ चुरा लेगा, ये सही बात है। तो आज मैं पूरे जगह को फेंस से घेर लूँगा, वो मेरा मिशन भी है। तो मैं पूरे जगह को घेरने की पूरी कोशिश करूंगा, जो जिससे कोई बाहर का आदमी आकर मेरे ये सब चुरा ना पाए। यहाँ पर हैंड फार्म का क्या हालत हुआ है वो भी देख लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 6 होना चाहिए था, मगर 5 है। एक को किसी ने मार दिया। यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा फेदर है और सब कुछ चुरा लिया है। तो मैं यहाँ पर भी खाना और पानी जो जो चाहिए वो ऐड कर देता हूँ फुल, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कॉर्न है और पोटैटो है जो मैं यहाँ पर खाने के लिए डाल सकता हूँ। और मेरे पास बहुत पानी है, मैं पानी बक बक में भर कर रखता हूँ, इसलिए मैं पानी भी फुल कर देता हूँ। तो यहाँ पर हो गया है, आप लोग देख सकते हो काम। मगर इसको सिक्योर करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे फैन से पूरे जगह घेरना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे पिकर का क्या हालत है, उसको खाना देना पड़ेगा। पिकर को फुलनेस 30 हो गया था, तो उसको मैं थोड़ा खाना खिला देता हूँ। उसको थोड़ा खाना खिलाने के बाद मैं आगे की तरफ जाऊँगा। तो यहाँ पर मेरे एग्रीकल्चर फार्म आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैंने कुछ देर पहले सीड डाला था, वहाँ पर अभी बन रहा है। वहाँ पर मैंने कॉर्न और पोटैटो का बीज डाला है, उससे ज़्यादा सीड मेरे पास नहीं था। तो यहाँ पर ख़रीदने के लिए आप लोग देख सकते हो फ्री में मुझे जो मिलेगा वो मैं ले लूँगा। टर्टल फार्म मिल रहा है 10, वो भी फ्री में, और मुझे बेचने के लिए कुछ अभी अवेलेबल नहीं है। तो इसको मैं लीव कर देता हूँ, और मेरे पास कोई मेल भी अभी नहीं आया है। तो मैं घर की तरफ जाने से पहले पानी कितना है देख लेता हूँ, पानी का स्टॉक सही है। ज़्यादा काम हो जाएगा तो मैं पानी भर लूँगा, कोई बात नहीं। मगर मेरे पास जो बोतल है वो खाली है, उसके लिए मुझे पानी भरने जाना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रेडियो में क्या दिखा रहा है। यहाँ पर रेडियो में मुझे दिखा रहा है कि मैं एक ड्रॉप ले सकता हूँ। ओ यहाँ पर स्नैक, किस तरह का स्नैक है आप लोग देखो। ओ घातक स्नैक है, मुझको काट रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो मैंने इसको मार दिया है, उससे मुझे टर्टल फार मिला है और कुछ नहीं मिला है। स्नैक से और कुछ नहीं मिलता है, ये स्नैक भी अटैक करता है, इसलिए कहीं जाने के बाद कभी कभी मेरे हेल्थ में अटैक हो जाता है। ये स्नैक भी कर सकता है और कोई ट्रैप भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं पानी भर लेने के लिए आया था, तो वहाँ पर मुझे स्नैक ने अटैक कर दिया। यहाँ पर मुझे अड्डा बुलाया था, वो भी आ चुका है। क्या मिलता है मैं देखूँगा अड्डा से। तो अड्डा से ज़्यादा कुछ नहीं मिला है, मगर ये एक पेड़ मिला है जिसको मैं बाद में यूज़ कर लेता हूँ। अभी मेरे पास पेट जो है वो उससे काम चल जाएगा। इतना ज़्यादा पेट लेकर भी क्या करूँ, मुझे तो यूज़ है वन ही करना पड़े। ये किस तरह से चल रहा है आप लोग देख सकते हो, उसको उसी तरह से मैंने मार दिया है। इसको भी हेडशॉट देने की कोशिश करूँगा, इसको भी मार दिया है आप लोग देख सकते हो। हेडशॉट नहीं हुआ था, इसका हेल्थ थोड़ा ज़्यादा है इसलिए नहीं मर रहा था। इसको मार के देखता हूँ, इसको सीधा हेडशॉट हो गया है आप लोग देख सकते हो। इसका हेल्थ भी थोड़ा ज़्यादा है, वो ऊपर से आकर मुझे मारेगा, ऊपर से वो नहीं उतरेगा, ऊपर ही उसको मार दिया मैंने। अब क्या क्या मिलता है मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर मेरा जो पिकर है वो थोड़ा चीज़ कलेक्ट कर चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सिल्क मिला है। यहाँ पर एक बॉक्स है, उससे थोड़ा कुछ मुझे मिला है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जो जो मिल रहा है मैं ले लेता हूँ।
या फिर इसको तोड़ना पड़ेगा, मगर इसके पास आते ही एक साइन दिखा देता है, वो साइन नहीं दिखा रहा है तो मुझे खुद से लेना पड़ेगा हमार। इसको मैंने तोड़ दिया है, आगे की तरफ जाकर देखूंगा और क्या क्या है यहाँ पर। ज़्यादा कुछ नहीं होता है, छोटा सा जोम्बी का बेस है, छोटा सा जोम्बी बेस है यहाँ पर। ये कार लेकर पिकनिक करने के लिए ये लोग आए थे, मगर यहाँ पर जम्बी अटैक हो गया, ये सब जम्बी बन चुका है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर खाना पीना की चल रहा था, यहाँ पर एक यहाँ पर ऑटोमेटिक हैमर आ गया है, आप लोग देख सकते हो। पहले ये नहीं आया था, तो इससे में कुछ मुझे मिला है, तो मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा। ऊपर एक जोम्बी को मैंने मारा था, उससे क्या मिलता है देखूंगा। तो यहाँ पर एक बूट मिला है, आप लोग देख सकते हो। तो शू मेरे पास नहीं था, कम था तो मिला है, सही बात है, उसको मैं पहन लूँगा बाद में, ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं घर के तरफ जाऊँगा। और सबसे पहले जो मेरा काम है, मैं घोड़े नहीं पकड़ूँगा, मेरे पास बहुत सारे हॉर्स है, आप लोगों को पता है। जितना ज़्यादा रखूँगा उतना उसको खाना पिलाना पड़ेगा, पानी पिलाना पड़ेगा, तो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ अच्छा नहीं होता है, यह आप लोगों को पता है। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ कभी अच्छा नहीं होता है किसी भी वक्त। तो मैं ये हर्ष को पकड़ूंगा नहीं, ज़्यादा पावर वाला हर्ष मुझे मिल जाए तो उसको मैं पकड़ूंगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फेंस गेट लगा देता हूँ, ये मेरा मिशन भी है, मुझे सिक्योरिटी के लिए भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ये तीसरे वाला लगा रहता हूँ, क्योंकि इससे मैं ऊपर जाकर वॉच कर सकता हूँ बाहर क्या चल रहा है, कोई अटैक करेगा तो ऊपर से उसको जवाब भी दे सकता हूँ। घर की इस तरफ भी एक बना लूँगा, इसको मैं बना लेता हूँ, मेरे पास अवेलेबल स्टॉक है वुड का, आप लोग देख सकते हो, और रोप का भी स्टॉक है, तो इसलिए मैं पूरे जगह को घेर सकता हूँ। मगर एक बात आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि जितना आसान लग रहा है उतना आसान है भी नहीं। इससे पहले भी मैंने दो चार बार कोशिश किया था, मगर वो पर किसी पत्थर में अटक जाता है, वहाँ पर सेट नहीं होता, इस तरह का प्रॉब्लम हो जाता है। कोई जगह आप लोगों का पूरा समतल होगा तो वहाँ पर सेटिंग करना आसान हो जाएगा, मगर नहीं होगा तो आप लोगों को दिक्कत आ जाएगा, इसलिए अच्छी जगह होना चाहिए। तो यहाँ पर अभी तक सेट अच्छी तरह से चल रहा है, इसको मैं सेट कर देता हूँ। बग बग में थोड़े जगह छड़ छड़ के मैं गेट और ये वाले सेट करूँगा, क्योंकि चारों तरफ मुझे वॉच करना पड़ेगा किस तरह से क्या हो रहा है। यहाँ पर एक गेट भी सेट कर सकता हूँ, बहुत दूर मैंने गेट सेट किया था, यहाँ पर गेट सेट कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो ये गेट मैंने सेट कर दिया। यहाँ पर चार तरह का फेंस है, एक फेंस वॉल है, एक फेंस गेट है, और दो टाइप का फेंस वॉच करने के लिए जगह है। एक सबसे महंगा वाला है, जहाँ से मैं ऊपर जाकर बाहर क्या हो रहा है देख सकता हूँ, ज़ोंबी अटैक होगा तो वहाँ से मैं फाइट भी कर सकता हूँ। और ये दूसरे वाला उसी तरह का है, मगर वहाँ पर ऊपर जाने के जगह नहीं है, तो मैं ये सब सेट कर देता हूँ। ये सेट हो रहा है, थोड़े वक्त वक्त में मैं सभी ओ प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर ज़मीन थोड़ा ऊपर आ चुका है और यहाँ पर एक भी फैन सेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर फैन सेट नहीं होगा तो मैं इस तरफ से कोशिश करके देखूँगा जितना हो सके, मुझे करना पड़ेगा, इसको मुझे बाहर लेकर जाना पड़ेगा कि दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ट्रैप है इससे मुझे अटक जाएगा। यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो गया है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर और एक फैन सेट कर देता हूँ, यहाँ पर वॉल सेट कर रहा हूँ, मगर इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से,
इसको सिलेक्ट कर तोड़ नहीं दूंगा, इसको दूसरे जगह में हटा दूंगा, दूसरे जगह पर लेकर जाता हूँ। ये बाहर के सेट नहीं हो सकता, ये अंदर ही सेट होगा। आप लोग देख सकते हो ये बाहर कहीं किसी जगह सेट नहीं हो सकता, इसका अंदर ही सेट करना पड़ेगा होम स्टेड एरिया के अंदर। तो अभी मैं यहाँ पर रख देता हूँ, बाद में अच्छी जगह देखकर मैं इसको सेट कर दूंगा। तो अभी मुझे और भी वॉल बनाना पड़ेगा, यहाँ पर फैन सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये लास्ट में जो सिग्नल दिखा रहा है वहाँ पर फैंस है, उससे जगह घेरा जाता है, वहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये चार फैंस का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे पास अभी भी बहुत सारे वुड है, आप लोगों को पता है ये सेट नहीं होगा, यहाँ पर ये जगह नहीं है, ये सेट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैं सिंपल फैंस वॉल सेट कर देता हूँ, सेट कर दिया मैंने। यहाँ पर भी वॉल सेट करना पड़ेगा, ठीक है, इसको मैंने सेट कर दिया। यहाँ पर नहीं हो रहा है, ओ यहाँ पर फिर से वो प्रॉब्लम हो चुका है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर गेट सेट कर सकता हूँ, इतना जगह है उससे मैं गेट सेट कर सकता हूँ, ये ऊपर की तरफ कुछ नहीं हो रहा है। इसके नीचे क्या है मुझे पता नहीं, मगर यहाँ पर कोई भी फैन सेट नहीं हो रहा है। तो इसको जगह को मुझे छोड़कर सब कुछ करना पड़ेगा, ये बाहर की तरफ दे देता हूँ जगह, उसके बाद में सब सेट करूँगा। एक्चुअली कुछ इस तरह की जगह के लिए ही फैंस वाल देना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर मुझे उस जगह को छोड़ना पड़ रहा है, आप लोग देख सकते हो वो जगह मैंने छोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पर और एक वॉल बना लेता हूँ, उस जगह के ऊपर कुछ नहीं होगा, कुछ भी सेट नहीं होगा, आप लोग देख सकते हो। कुछ भी सेट करने की कोशिश करूँगा तो सेट नहीं हो सकता वहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा गैप हो गया है, मगर उस गैप से अंदर कोई नहीं आ सकता। इसको थोड़ा इधर रख देता हूँ और इसी जगह पे मैं ये तीसरे वाला महंगा वाला इसके ऊपर जा सकता हूँ और बाहर की क्या हो रहा है वो वॉच कर सकता हूँ, वो वाला सेट कर देता हूँ। उसके बाद मैं वॉल को दोबारा लेकर यहाँ पर सेट करूँगा, यहाँ पर सेट करूँगा। तो देख सकते हो वो जगह मुझे खाली छोड़ना ही पड़ेगा, वहाँ पर कुछ भी सेट करने की कोशिश करूँगा तो नहीं होगा। मुश्किल से एक अच्छा जगह मिला था, वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो रेंज क्लोज हो गया है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर जितना जगह मैं बाहर की तरफ चढ़ूँगा मेरे घर की तरफ उतना ही जगह कम हो जाएगा। इस तरह से मैं आगे और भी चीज़ बनाने की कोशिश करूँगा तो नहीं होगा, तो आगे की बात आगे सोचा जाएगा। इससे अच्छी जगह मिलेगा तो मैं पूरे होम को वहाँ पर ले जाऊँगा, तो वहाँ पर मुझे सब कुछ दोबारा सेट करना पड़ेगा। ये बात आप लोगों को मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग लोकेशन चेंज करोगे तो घर और घर के अंदर जो जो चीज़ है वो सही तरीके से सेटअप कर सकते हो, मगर बाहर के सारे चीज़ आपके बैग में आ जाएगा, उसको दोबारा सेट करना पड़ेगा। तो वहाँ पर दोबारा मैं अच्छी तरह से सेट करूँगा, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आप लोग देख सकते हो किसी भी तरह से मैं सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पर सेट नहीं हो रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। ये ऊँचे जो जगह है वहाँ पर क्या बात है मुझे पता नहीं, वहाँ पर कुछ नहीं सेट हो रहा है। उसके नीचे क्या है मुझे खोद कर देखना पड़ेगा, अगर इस गेम में वो ऑप्शन होता तो मैं खोद कर देखता, शायद कोई छुपा हुआ खजाना मिल जाए। तो ठीक है, इसको मुझे सबसे पहले यहाँ से लेकर किसी दूसरे जगह पर सेट करना पड़ेगा, मगर ये आ नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ये क्यों सेट नहीं हो रहा है।
इसको ये गेट की तरफ है। अब आ चुका है लोकेशन चेंज करने का ऑप्शन, तो मैं इसको थोड़ा इस तरफ खिसका देता हूँ, वही जगह में रहेगा, थोड़ा इस सामने की तरफ खिसका देता हूँ, दूसरी जगह मेरे पास नहीं है, यहाँ पर थोड़ा जगह आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर मैं फिर से जो बाकी फैंस है उसको सेट कर दूंगा, ऑलमोस्ट मेरा काम हो चुका है। यहाँ पर जो गेट है उसको मुझे सेट करना पड़ेगा क्योंकि जगह बहुत कम है, ये भी सेट नहीं हो रहा है, आप लोग देख सकते हो ये भी सेट नहीं, यहाँ पर सेट हो रहा है, तो मैंने इसको सेट कर दिया है। अब आगे की तरफ जाना पड़ेगा और ये सेट यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर सेट हो रहा है, इसको यहाँ पर रिसेट कर देता हूँ। तो अब और एक जगह है मगर यहाँ पर भी सेट नहीं हो रहा है, यहाँ पर सेट करने के लिए गेट है मेरे पास, ये सेट होने जाना चाहिए था मगर ये सेट नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये सेट हो जाता तो बहुत अच्छा होता और मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अगर ये किसी भी तरह से सेट नहीं हो रहा है, ये जो ऊंचा किला है उसके ऊपर चला जा रहा है और वहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, वो जगह मेरे होम स्टेट के अंदर आ चुका है मगर वहाँ पर कोई काम नहीं है उस जगह का, तो यहाँ पर मैं किस तरह से सेट करूँ मुझे पता नहीं चल रहा है। इतना काम करने के बाद ये जगह अगर खुला छोड़ दिया तो क्या हुआ, इतना काम करना बेकार हो जाएगा, मुझे पूरा जगह अच्छी तरह से कवर अप करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे प्लेयर आकर मेरे सब कुछ चुरा लेकर जा रहा है, और सुधु सोए चुरा रही नहीं रहा है, वो मार कर भी मेरे दो काऊ को मार दिया, हेन को मार दिया, इस तरह से मार कर चला जा रहा है। तो ये इसको मैं सेट करके देखता हूँ, ये सेट हो रहा है मगर इतना बड़ा गैप जहाँ से कोई भी आ जा सकता है, ये ठीक नहीं हो रहा है, मैंने गलत कर दिया इसको, यहाँ पर सेट करके इसको दूसरे जगह पर शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको कहाँ पर शिफ्ट करूँ, ये मुझे वो उस तरफ जाकर लगाना जाना पड़ेगा, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इसको, मेरे जगह नहीं है और बाद में मैं सही तरह कैसे फिट कर दूंगा। तो यहाँ पर मुझे एक गेट लगाना पड़ेगा, ये सेट नहीं हो रहा, इधर इधर सेट नहीं हो रहा है, इस तरह से सेट करना पड़ेगा थोड़े जगह, हाँ इस तरह से सेट कर लूँगा, जहाँ पर एक से काम चल जा रहा है वहाँ पर दो लगाना पड़ेगा, अब सेट हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो सेट करना था मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, यहाँ पर थोड़ा गैप है मगर उससे कोई बाहर या अंदर नहीं जा सकता, तो यहाँ पर मेरे होम स्टेट को चारों ओर से मैंने कवर अप कर दिया है, सिक्योर कर दिया है, बाहर से कोई आकर कुछ नहीं चुरा सकता, यहाँ से ऊपर से मैं आई की तरफ भी जा सकता हूँ, इतना अच्छे तरीके से ये मेरा नहीं हुआ है, जगह उतना अच्छा नहीं है मगर बाद में अगर कहीं अच्छी जगह मुझे मिल जाएगा तो मैं वहाँ पर अच्छी तरह से ये सेट कर दूँगा। तो अभी ये सारे काम कंप्लीट करके मैं शेरिफ स्टेशन के तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पर भी मेरा मिशन है आप लोग देख सकते हो, तो मैं ये शेरिफ मिशन में जाकर वहाँ से मेरा मिशन कंप्लीट करूँगा और क्या क्या मिलता है कलेक्ट करूँगा और पूरा एक्सपोज कर दूँगा शेरिफ स्टेशन को आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ शेरिफ स्टेशन के सामने में एक घर है, वहाँ पर मैं देखता हूँ क्या मिलता है, कुछ नहीं है वहाँ पर, कोई बॉक्स भी नहीं है, बैग भी नहीं है, तो यहाँ पर हाथ में मैं ये ले लेता हूँ गन, गन का बुलेट है मेरे पास में, वो बहुत सारे बुलेट है, मैं गन का यूज़ भी कर सकता हूँ। टायर की तरफ जाता हूँ, मेरे सिग्नल इस तरफ दिखा रहा है तो जिस तरफ सिग्नल दे रहा है उस तरफ मैं जाऊँगा,
और जाकर मैं देखूंगा क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले मैं घर के अंदर घुस चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कोई भी जंगली नहीं है, एक मरा हुआ इन्फेक्टेड बॉडी है जहाँ से मुझे पाथर मिला है और आयरन मिला है। यहाँ पर कैबिनेट में कुछ नहीं है, यह कैबिनेट मुझे मिला था मगर वह पाका है, वहाँ पर कुछ नहीं है। तो मैंने सर्च पहले ही कर लिया था, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। इसका इस कैबिनेट में क्या है देख लेता हूँ। ये भी खाली है, ओह गॉड, इसलिए यहाँ पर कोई ज़ॉम्बी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझसे पहले ही कोई आया था और पूरा घर खाली करके चला गया है। तो मेरा ये फेरी स्टेशन आना बेकार हो जाएगा, आप लोगों को पता है, पहले पहले ही आना पड़ेगा। एक ही फेरी स्टेशन के ऊपर इतने सारे लोगों का नज़र रहता है तो कोई ना कोई आकर पहले लूट लेता है। यहाँ पर सब कुछ लूट कर चला गया है, कुछ नहीं मिल रहा है। ये केबिन आप लोग देख सकते हो, कैबिनेट के अंदर कुछ नहीं है, बाहर की तरफ कुछ कुछ चीज़ मिल रहा है मगर कैबिनेट के अंदर कुछ नहीं मिल रहा है। ये पूरा खाली करके चला गया है। तो इस कैबिनेट को मैं थोड़ा देख लेता हूँ, वो भी खाली है तो इसको नहीं देखूँगा, दूसरे वाला तो खाली ही होगा। यहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ चुका है, ये एक्चुअली आप लोग देख सकते हो कोई इंस्पेक्टर है मगर यहाँ पर वो भी ज़ॉम्बी बन चुका है तो उसको मुझे मारना पड़ेगा। यहाँ से मुझे क्या मिलता है मैं देख लेता हूँ। ओ यहाँ से कुछ मिला है, इतने वक्त बाद कोई कैबिनेट से मुझे कुछ मिला है। तो मैं सारे कैबिनेट यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, सबसे पहले ये स्पेशल वाला कैबिनेट सर्च करता हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यहाँ पर एक गन मिला है, आप लोग देख सकते हो रिवॉल्वर, ये भी खाली कर लेता हूँ, ये भी खाली कर लिया मैंने। यहाँ पर भी अच्छी अच्छी चीज़ मिला है इस कैबिनेट के अंदर, यहाँ पर भी मिला है इस तरह से। ओ कोई आ चुका है, आप लोग देख सकते हो, आने से पहले मुझे पूरा घर खाली करना पड़ेगा नहीं तो वो भी आकर कुछ लेगा। चला आया है, मैं अभी अभी यहाँ पर जो जो चीज़ है वो सब कुछ ले लेता हूँ, ले लिया मैंने। यहाँ पर घर ऑलमोस्ट यहाँ पर और कोई कैबिनेट खाली नहीं है तो यहाँ पर मैं सब कुछ ले चुका हूँ। बाहर की तरफ कोई आ चुका है, यहाँ पर मुझे मिशन कंप्लीट करना पड़ेगा मगर वो मिशन मेरा है कहाँ मुझे पता नहीं चल रहा है। आप लोग देख सकते हो ये साइड की तरफ दिख रहा है, कभी कभी ऊपर दिख रहा है, मुझे किस तरफ जाना पड़ेगा। ये खाली है, इस घर में कुछ नहीं मिलेगा मुझे पता है, वो ये भी खाली है। वो बहुत सारे ज़ॉम्बी आ चुका है, वो जो आया था दूसरे प्लेयर वो आ चुका है, वो ज़ॉम्बी से लड़ रहा है, उसको लड़ने दो। यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा मुझे पता है, मैं बाहर की तरफ देख कर आता हूँ। एक्चुअली मेरा यहाँ पर डेस्टिनेशन मुझे पता नहीं चल रहा है, मैं ऊपर की तरफ तो कोई घर नहीं है तो ऊपर की तरफ डेस्टिनेशन नहीं हो सकता, तो मुझे इस घर पे जाना पड़ेगा, इस घर पे जाना पड़ेगा, इस घर पे अंदर है। तो मैं विंडो से जा सकता हूँ, विंडो से मैं नहीं जा सकता। इस गेम में आप लोग विंडो से जा नहीं सकते, आपको गेट से ही जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सब सर्च कर चुका हूँ, कुछ नहीं मिला है, बाहर की तरफ जाऊँगा। यहाँ पर एक कैबिनेट तो दिखाई दे रहा है मगर मुझे पता है उस कैबिनेट में कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मुझसे पहले कोई आया था, सब कुछ लेकर चला गया है। मेरे बाद में भी एक आया है, वो भी कुछ कुछ ले रहा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा शायद। ज़ॉम्बी को एक ज़ॉम्बी आ रहा है, मुझे मार दिया है, फिर ज़ॉम्बी मार कर क्या नहीं मिला, एक फेदर मिला है, कोई काम नहीं होगा। तो वेंडिंग मशीन को सर्च करके क्या मिलेगा, उसमें भी कुछ नहीं होगा। वो ये मेरा मिशन था इसलिए मैं ढूंढ नहीं पा रहा था, मैं शायद सोचा था कोई बॉक्स होगा मगर ये बोर्ड है। यहाँ पर मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है, एक की मुझे मिला है, आप लोग देख सकते हो इसकी से मुझे दूसरा कोई घर में जाना पड़ेगा, दूसरे डिस्टिनेशन में, मगर यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है, बेकार हो गया ये फेरी स्टेशन का। मैं आना फेरी स्टेशन में बहुत कुछ मिलता है मुझे पता है मगर ये सब लूट लिया है किसी और ने। एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, सब फंका हुआ है।
बहुत सारे लोग पुलिस स्टेशन में आता है और सब कुछ लेकर चला जाता है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ मिलना भी आसान नहीं है। बहुत सारे प्लेयर खेल रहा है। ये फिर एक इंफेक्टेड पर्सन है, इसके अंदर मुझे एक फूड मिला है। तो मेरा यहीं के ही मिशन है यहाँ पर। ओ इस यहाँ पर मेरा मिशन है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर मुझे कुछ कुछ चीज़ मिला है, एक गान भी मिला है और ये किए द फाउंटेन वर्मा एक छोटा सा पेज मिला है। इस पेज को मेरे पीछे और एक प्लेयर आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। इसका भी मिशन है, ये भी मिशन कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है। ओ सर हट जा सामने से, ये चाइनीज़ प्लेयर है। मैंने एक रिक्वेस्ट भी भेज दिया है, इस गेम में फैन बनाना है तो कोई नहीं बन पाएगा क्योंकि इंडियन प्लेयर बहुत कम है। इंडिया में ये गेम लॉन्च भी नहीं हुआ है, दूसरी तरफ से खेलना पड़ेगा। आप लोग अगर खेलना चाहते हो तो मेरे कमेंट में बताओ, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा किस तरह से आप लोगों को ये गेम खेलना है। अगर आप लोग नहीं जानना चाहते हो तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप लोगों को पता है किस तरह से ये गेम खेलना है, किस तरह का गेम किस जगह से डाउनलोड किया जाता है, वो बहुत सारे लोगों को पता है। इसलिए वीडियो बनाकर वक्त नहीं ख़त्म करूंगा। मगर आप लोगों को पता नहीं चल रहा है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगा। यहाँ पर ये फाइट कर रहा है, इसको फाइट करने दो। मुझे यहाँ पर कुछ मिला है, मैं वो ले लेता हूँ। यहाँ पर वो कार्ड मिला है, फुकार कार्ड, इससे मैं सिगरेट में बदल सकता हूँ और उससे बहुत सारी चीज़ खरीद सकता हूँ। तो मुझे जो जो चीज़ मिल रहा है मैं ले लूँगा। यहाँ पर ये बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, यह फिर से खाली है। ये सारे बॉक्स उसने ले लिया है। वो बेकार में ये यहाँ पर मैं ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पर भी कुछ नहीं मिल रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर मेरा मिशन भी कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट मिशन गो टू द हॉर्स रेंज। हॉर्स रेंज में जाना पड़ेगा। हॉर्स रेंज में क्या क्या मिशन है, क्या मिलेगा वो मुझे पता चलेगा वहाँ पर जाने के बाद। मगर यहाँ पर जो काम था मेरा कंप्लीट हो चुका है। घूम घूम कर मैं थोड़ा ढूंढ लेता हूँ और कुछ मुझे मिल जाए तो। यहाँ पर एक छुपा हुआ बॉक्स है जो मुझे मिला है, यहाँ से कुछ मिल सकता है। ओ डॉग टैग मिला है, डॉग टैग से क्या होगा पता नहीं। यहाँ पर एक कैबिनेट है, यहाँ पर देखता हूँ क्या मिलता है। यहाँ पर भी खाली है, सारे कैबिनेट खाली हो चुका है। यहाँ पर भी एक डॉग टैग मिला है, डॉग टैग लेकर क्या करूँगा मैं, पहले मैं डाल कर घूमूंगा, पता नहीं क्या चीज़ है ये। तो यहाँ पर सब ख़त्म हो चुका है। और एक कैबिनेट दिखाई दे रहा है, ये भी छुपा हुआ था, इसमें कुछ मिल सकता है, नहीं मिलेगा। तो छुपा हुआ भी इन लोगों ने ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर वाटर बोतल में ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास वाटर बोतल थोड़ा कम है। वाटर भर के रखूँगा, मेरे वाटर सोर्स अच्छा है वहाँ से लेकर। यहाँ पर एक बैग मिला है, ये देख सकते हो, इस बैग के अंदर कुछ हो सकता है। वो ये भी खाली है, ये भी खाली है। यहाँ पर कोई जगह ऐसा नहीं है जो थोड़ा हुआ है। ये भी खाली है, सब कुछ खाली है इस घर के अंदर, और कोई काम नहीं है। तो सब कुछ मैं घूम रहा हूँ। यहाँ पर भी एक वाटर बोतल है, शायद ये वाटर बोतल जिसने यहाँ पर सब कुछ लिया है वो नहीं लिया था, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर को यहाँ पर विंडो से बाहर जाऊँगा, कैसे जाऊँगा विंडो से बाहर, मैं नहीं जा सकता, बैठ कर भी नहीं जा सकता। सब लोग पता चल गया है, आप लोग इस गेम के अंदर विंडो से बाहर नहीं जा सकता, आप लोगों को पूरा गेट से ही जाना और जाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं बाहर के तरफ चला जाता हूँ, यहाँ पर सब कुछ साथ चल गया है, कुछ नहीं मिला है मुझे। तो मैं ये बाहर की तरफ आऊँगा, वहाँ पर क्या क्या मिलता है मैं देख लूँगा। कुछ कुछ चीज़ बाहर भी पड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर एक पर्सन है, इसको फाट करके देखता हूँ, यहाँ पर मुझे कुछ मिला है।
एक चीज मिला है जो पेड़ काटकर मिलता है, यहाँ पर इसको भी काट कर लेता हूँ। यहाँ पर भी कुछ मिला है, यहाँ पर एक बैग है, यहाँ पर एक बैग है, शायद यहाँ पर कुछ मिल सकता है। कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिला, ओ इसको मार दूंगा। यहाँ से मुझे कुछ कलेक्ट हुआ है, सारे ज़ॉम्बी को यहाँ से मैं खाली करने की कोशिश करूँगा, मगर जितना भी खाली करूँ ये रिपोर्ट हो रहा है। जितने भी ज़ॉम्बी को मैं मारूँगा फिर दोबारा वहाँ पर आ जाएगा। ओ इसको मार दिया मैंने, वो कोई वो दौड़ कर आ रहा है, वो तीर उड़ा दिया मैंने। तो ये वाला ज़ॉम्बी कहाँ से आ जाता है, मार देता हूँ। तो हेड चला पास आता हेड में कट कर दिया, ये भी मर चुका है। आगे की तरफ जाऊँगा, यहाँ पर क्या मिलता है इसको काट करके देखता हूँ। यहाँ पर वो मिला है, यहाँ पर और कुछ नहीं है। सामने की तरफ पर क्या क्या है मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है, इसको मार कर देखता हूँ। चला जा जा इस तरफ आ जा, इस तरफ आ जा, गोली नहीं लग रहा है, आ जा इस तरफ आ जा। इसको मार दिया, इसको भी मार दिया। ये मोटे वाले ज़ॉम्बी का हेल्थ थोड़ा ज़्यादा होता है, मगर हेडशॉट अच्छे होगा तो वो भी मर जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं वो एरो यूज़ करूँगा, ज़्यादा गन का यूज़ मैं नहीं कर सकता क्योंकि बुलेट लिमिटेड है। मैं अभी बुलेट नहीं बना पा रहा हूँ, जब तक नहीं बना पाऊँगा तब तक मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाऊँगा। मेरे सामने आ चुका था, इसको मार दिया मैंने, इससे कोल मिला है। और सामने की तरफ जो ज़ॉम्बी है उसको भी मार देता हूँ, वो आ रहा है मेरे पास, इसको मार दिया मैं। तो लोग देख सकते हो इससे भी हेम मिला है। यहाँ पर रॉक क्लोथ मिला है, रॉक क्लोथ थोड़ा मिल जाता है तो यहाँ पर कार के अंदर से क्या मिलता है मैं देख लूँगा। यहाँ पर एक बैग है, इस बैग के अंदर वो नेल मिला है, आयरन मिला है। ये अच्छा बल है, ज़्यादा बुरा नहीं है, अच्छा चीज़ है जो मिल चुका है मुझे। ये घर में भरा भरा हुआ था मगर किसी ने लूट लिया इसलिए मुझे नहीं मिला है। ये कार के अंदर क्या मिलता है मैं देखता हूँ। वो सिर्फ एक व्हील है तो व्हील भी मैं ले लेता हूँ। इससे पहले मैं मोटर बाइक बना चुका हूँ मगर कार नहीं बनाया है, तो मुझे कार बनाने के बाद व्हील की ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पर इसको तोड़ देता हूँ, टूट जा टूट जाओ, ओ टूट गया। तो इससे मुझे टू स्कैप आयरन मिला, इतने बड़े कार से सिर्फ टू। अब लोग देख सकते हो इतने से गोदाम भर सकता, तो मैं घर की तरफ जा रहा था तो यहाँ पर मुझे ये मिला है। ये पेट्रोल पंप है शायद, तो यहाँ पर जो जो ज़ॉम्बी है सबको मैं मार कर यहाँ पर क्या मिलता है देख लेता हूँ। मैं क्यों मिल रहा है, मार दिया मैंने इसको, इससे क्या मिलेगा। ओ रोजबेरी मिला है, कुछ नहीं होगा। कौन ओ ये छुपा हुआ था, मुझे मालूम नहीं था यहाँ पर है। थूक मार रहा था, इसको मैं मार दिया है। यहाँ पर जो जो चीज़ है वो सब स्पीकर ने कलेक्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ से बॉक्स के अंदर जो था वो कलेक्ट कर लिया हूँ। स्पीकर मेरे कुत्ते का नाम लिया है मैंने, वो पिक करता है इसलिए वो देखा मेरे साथ साथ, वो भी पिक कर लेता है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा देखता हूँ। यहाँ से कॉइन मिला है, ये कॉइन बहुत कम है क्योंकि 4 कॉइन से एक सिगरेट मिलता है। ये कॉइन लेना भी ठीक नहीं है मगर फ्री में मिल रहा है इसलिए मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर रॉक क्लोथ मिला है, रॉक क्लोथ तो कहीं भी मिल जाता है, अवेलेबल है बहुत, और मैं खुद से भी बना सकता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं बना नहीं सकता मगर फ्री में मिल रहा है तो मैं छोड़ूंगा क्यों।
इसलिए ले भी रहा हूँ, पर वो क्लोथ रोड एक टूटा लिया और बैग नहीं है। यहाँ पर काम ख़त्म हो गया है, यहाँ पर और एक घर है, तो उससे पहले मैं यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गैस मशीन के अंदर फ्यूल है, तो मैं इस वो फ्यूल लेने से पहले यहाँ पर अटक कर दिया है जंगली लोगों ने। वो और भी कोई थूक रहा है, ये थूक थूक कर मेरा हेल्थ ख़त्म करना चाहता है, मगर इतना आसान नहीं है, इसको मैंने मार दिया है। अब मैं गैस स्टेशन के अंदर से फ्यूल कलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास जो बोतल है उससे बोतल भर चुका है और थोड़े से फ्यूल अभी भी खाली है, तो उसको मैं ले लेता हूँ। मेरे पीछे और एक आ चुका है, आप लोग देख सकते हो, इसको भी मार डालता हूँ। इसको भी मार दिया मैंने, ये थूक रहा है, इसको भी मार दिया, थूक के बाद मार कर थूक। तो ये दूसरे जगह पर भी जंगली कौन थूक रहा है, मेरे सामने ही हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। ये इसको जब तक नहीं मारूंगा तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो इसको मार दिया। अब मैं ये भर देता हूँ, दो बोतल पूरा भर चुका है और एक ही बोतल में लेना चाहिए था, मगर दो अलग अलग बोतल में चला गया है। कोई बात नहीं, इसको जाकर मैं अपने मोटर बाइक में भर लूँगा। ये घर अभी तक मैंने देखा नहीं है, इसके अंदर क्या है, वो एक जंगली था, इसको मैं मार लूँगा। मार दिया मैंने, इससे भी क्लोथ मिला है। घर के अंदर कुछ नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, इस घर के अंदर कुछ भी नहीं है। एक बोतल है तो उसको भी मैं उठा लेता हूँ, पानी भर के फुल कर दूँगा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर शेरिफ के घर जो जो चीज़ मुझे मिलना चाहिए था वो मुझे मिला नहीं, मगर मिशन मेरा कंप्लीट हो चुका है और बाद में कभी आकर मैं और भी कुछ कलेक्ट कर लूँगा। मगर ये मुझे पता चल गया है, जितने बार भी आऊँगा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर आ जाता है, सारे लूट कोई अकेले नहीं उठा सकता। तो यहाँ पर